हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एंजेलिन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 5 एंड वी विल डू द टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। केवल स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट समझ आ जाएगा एंड देन इसके बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअली इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है। इलेक्ट्रिकल मोटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगी, मैकेनिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है। एक रोटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। अब ये पॉसिबल कैसे है? आपने अपने घरों में पानी चढ़ाने वाली मोटर को देखा होगा, तो आपने क्या किया, उसे इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी एंड देन इसके बाद क्या किया, उसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, कुछ वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। अब एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो हमें पता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो वहां पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ऑफकोर्स इस वायर में करंट है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट हम इसके आस पास एक और मैग्नेट को रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी थी एंड हमने दूसरी मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर दी, तो ऑटोमेटिकली क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को रख दिया, तो दोनों में क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स क्रिएट करेंगे और वो जो फोर्स है ना उसी से हमें वर्क मिलता है। Are you getting my point? Okay. Once again, कोई वायर है जिसमें करंट है, ठीक है, वो मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है, उस मैग्नेट को हमने दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो वो किस तरीके से एक्ट करेगी, उसमें एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स से ही हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। अब हम यहाँ पर इसकी वर्किंग समझ लेते हैं एंड देन इसके बाद थ्योरी देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे लिखना है। तो देखिए, एज इट इज हमने यहाँ पर यही काम किया है, एक वायर दिया है, कौन सी शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का। तो यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर शेप का वायर है एंड देन इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि बैटरी कनेक्टेड है। ये जो कंप्यूटर का कंसेप्ट है ये हम बाद में समझेंगे, बट इसका सबसे पहले मेन कंसेप्ट समझते हैं। ओके, तो देखिए ये वायर में हमने इस बैटरी के थ्रू करंट फ्लो कराया, यहाँ पे बैटरी लगी है। अब बैटरी लगी है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो जाती है। इसके बाद एज यू कैन सी यहाँ पे क्या लगी है, दो मैग्नेट लगे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है नॉर्थ टू साउथ। तो नाउ यू कैन से जो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, दोनों की दोनों परपेंडिकुलर है। ओके, दोनों एक दूसरे पे फोर्स भी क्रिएट करेंगे। तो एग्जैक्टली अब होगा क्या, अब इसमें आप फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास करंट की डायरेक्शन है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल के थ्रू क्या करोगे, फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर देते हो। एज यू कैन सी यहाँ पे फिगर में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एज इट इज हम चलते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखते हैं कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, इसके बाद करंट की डायरेक्शन क्या है एंड उसके थ्रू आप फोर्स की डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए करंट ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, करंट ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये हो गई हमारी करंट जो ऊपर से नीचे आ रही है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है, जो ये सेंटर फिंगर होती है करंट बताती है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड जो थंब का डायरेक्शन है वो फोर्स को बताता है। तो जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने नीचे फिंगर को ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड ये तो नॉर्थ टू साउथ ही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अपने थंब को ऐसे करके देखिए तो देखिए थंब आगे की तरफ आ रहा है, मतलब जो ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे सीडी पे जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ओके, अब यहाँ पर ये वाली जो कॉइल है इसमें कब कहाँ पे फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब हम आते हैं इस एबी में, एबी में करंट क्या हो रही है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। तो देखिए ये हमारी सेंटर फिगर है, इसे हम ऊपर लेके आ गए, ये सेंटर फिगर में करंट फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ये रही,
ठीक है, एंड इसके बाद फोर्स देखिए किधर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. ओके तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जो फोर्स है वो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. तो इधर से ऊपर की तरफ धक्का लगा, इधर से नीचे की तरफ धक्का लगा, तो देखिए कॉइल इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में नहीं आ जाएगी. जो अभी हॉरिजॉन्टल है वो क्या होती है, वर्टिकल पोजीशन में आ जाती है. तो कॉइल का रोटेशन शुरू हो गया. बट होता क्या है बेटा, जब ये कॉइल इधर की तरफ आती है, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में अपना आधा रोटेशन ही पूरा करेगी, तो इससे क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई. करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई क्योंकि ये कॉइल इधर आ गई, ये वाली कॉइल इधर आ गई, है ना. तो करंट की डायरेक्शन चेंज होने से क्या हुआ, जैसे ही इसने आधा रोटेट किया, ठीक है, अब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी. करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. तो ये हाफ रोटेशन करती है, पहले इस डायरेक्शन में इस तरीके से आ गई हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, एंड देन अगेन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल आ जाती है. ठीक है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आई, फिर वर्टिकल से ये इस पोजीशन पे आ जाएगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हो गई. लेकिन हमें तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं, हमें तो कंप्लीट रोटेशन चाहिए भाई. फैन ऐसा थोड़ी ना होता कि आधा रोटेट हो गया फिर आधा दूसरी डायरेक्शन में रोटेट होगा, पूरा ही रोटेट होता है ना. इसलिए हमें तो क्या चाहिए, फोर्स से कंप्लीट रोटेशन में चाहिए. अभी कंप्लीट रोटेशन कैसे हो, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, केवल हाफ रोटेशन हो रहा है. करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है और करंट की डायरेक्शन होने से फिर से ये हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चेंज हो रही है, मतलब आधा रोटेशन. अब बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेते हैं कम्यूटेटर एंड स्प्लिट रिंग की. आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, कम्यूटेटर है, और ये कम्यूटेटर के साथ हमने क्या लगाई है, स्प्लिट रिंग लगाई है. अब बेटा देखो स्प्लिट रिंग किस तरीके से कनेक्टेड होती है. यहाँ पे देखिए ये जो कम्यूटेटर है इसका हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर है, इनके बीच में गैप है, और इसके साथ में क्या लगे हैं, कार्बन ब्रशेस लगे हैं. अभी कार्बन ब्रशेस के थ्रू जैसे यहाँ पे करंट फ्लो होती है, तो देखिए एज यू कैन सी जैसे ये येलो पार्ट है और ये यहाँ पे ब्लू पार्ट है. तो एग्जैक्टली हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं. जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, इसके बाद क्या करेंगे, हाफ रोटेशन होते हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली. तो ये जब अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो फिर करंट की डायरेक्शन तो सेम हुई, है ना, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली ये कार्बन ब्रशेस के थ्रू, तो करंट की डायरेक्शन फिर चेंज नहीं होगी. कॉइल इधर से उधर आने पे जो लेफ्ट से राइट आने में प्रॉब्लम हो रही थी वो खत्म हो गई. अब जब यहाँ पे ऐसा कुछ होगा ही नहीं, करंट की डायरेक्शन ही चेंज नहीं होगी, तो हमें कंप्लीट रोटेशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा. बस यही कंप्लीट रोटेशन चाहिए था, और इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिकल मोटर को यूज करते हैं. ओके अब हम यहाँ पे थ्योरेटिकली देते हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से डिजाइन करते हैं, और इसकी थ्योरी में आपको क्या लिखना है. तो अभी केवल हम बेसिक कंसेप्ट में गए थे, फिर से आते हैं. तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो वी नो वेरी वेल जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है. और ये किस तरीके से कर रही है, यहाँ पे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट है, उसको हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं. किसके बीच में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं. तो जिससे क्या होता है, दोनों में फोर्स क्रिएट होता है, और उस फोर्स को ही हम मैकेनिकल एनर्जी में यूज करते हैं. तो नाउ यू कैन से द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ऑफ कोर्स ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ओके एंड देन अ करंट कैरिंग कंडक्टर places perpendicular to the magnetic field experience of force. और इसी current carrying conductor को अगर हमने magnet के बीच में रखा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक force create करेगा. तो अब ये देखिए इसकी construction देखते हैं कि exactly जो electric motor है उसको design किस तरीके से किया जाता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आर्मेचर कॉइल का यूज करते हैं. ये जो आपको रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है ए बी सी डी, इसे क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, जिसे हमने किसकी फॉर्म में सेट किया है, रेक्टेंगल की फॉर्म में सेट किया है. इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लूप ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. After that, we will use the strong field magnet. ये जो strong field magnet दिखाई दे रहा है, आपने दो use किया है. Okay, तो ये armature coil को हम किसके बीच में रखते हैं, two pole magnet के बीच में. Okay, जिससे क्या मिलती है, strong magnetic field मिलती है.
After that, a very very important part is split ring type commutator. Okay, so as you can see, इसमें क्या होते हैं, two half metallic rings होते हैं. It consists of two half metallic ring. Okay, the two ends of the armature coil are connected to these two half of ring. तो ये जो armature coil का end है, इसको हम किससे connect कर देते हैं? ये जो split ring है, इनसे connect कर दिया जाता है. और इसके बाद कम्यूटेटर क्या काम करता है, डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है. ओके, जो करंट की डायरेक्शन है उसे क्या किया, रिवर्स कर दिया. तो ऑटोमेटिकली हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, जो हाफ रोटेशन वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होती है, हमें क्या मिलता है, पूरा रोटेशन मिलता है, क्योंकि यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो कम्यूटेटर है, इसके बाद ये ब्रशेस का यूज होता है. तो ये देखिए, ये कम्यूटेटर था एंड इसके साइड में जो ये पार्ट लगा है दो छोटे छोटे, इसको हम ब्रशेस बोलते हैं. ये ब्रशेस क्या है, स्प्लिट रिंग के साथ में ही चलते रहते हैं. ओके, जो यहाँ पे कम्यूटेटर है और टर्मिनल बैटरी दोनों के साथ कनेक्टेड होते हैं. लास्ट वेरी बैटरी कार्बन ब्रशेस के साथ में कनेक्ट होती है, ठीक है, करंट सप्लाई कर रही है आर्मेचर कॉइल को. तो ये तो क्या हो गई, पूरी इलेक्ट्रिकल मोटर की कंस्ट्रक्शन हो गई. अब वंस अगेन हम इसकी वॉकिंग रिवाइज करते हैं. तो जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी स्विच ऑन की, ठीक है, करंट कैसे फ्लो हुई, ए बी कॉइल के अंदर, तो ए टू बी करंट फ्लो होगी और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, नॉर्थ टू साउथ. अब बैटरी इज स्विच्ड ऑन, करंट फ्लोस कॉइल ए बी फ्रॉम ए टू बी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अब हमने क्या किया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया. अब अगर यहां पर देखते हैं, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे तो किस तरीके से लग रही है, नॉर्थ टू साउथ की साइड में लग रही है. तो जो ये फोर्स है, ये जो फोर्स है किस डायरेक्शन में लगा, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा. एंड इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे सीडी में देखते हैं, सीडी में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो जो ये फोर्स है ये किस डायरेक्शन में चला गया, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो यहां पर सीडी में फोर्स लगा अपवर्ड और एबी में लगा डाउनवर्ड. तो ये कॉइल का क्या होता है, 90 डिग्री का रोटेशन हो जाता है. तो नाउ यू कैन सी सिमिलरली अपवर्ड अप्लाइज ऑन सीडी, द कॉइल रोटेट्स विद एबी मूविंग डाउन एंड सीडी मूविंग अप. जो ये सीडी है ये ऊपर की तरफ उठता है और जो ये एबी है वो नीचे की साइड जाता है, मूविंग डाउन हो जाता है. ओके, एंड आफ्टर दैट अब देखो क्या हुआ, एबी सीडी की जगह चला गया, सीडी एबी की जगह आ गया. ओके, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ चल रही है, तो अब ये जो सीडी है इसको फिर से अपवर्ड फोर्स लगेगा. यहां पे डाउनवर्ड लग रहा है, यहां पे अपवर्ड लगेगा, लेकिन सीडी एबी की जगह आ गया, एबी सीडी की जगह आ गया, तो सीडी पे क्या लगेगा, फिर से अपवर्ड लगेगा. तो इसीलिए क्या होगा बेटा, इनका एक पूरा रोटेशन नहीं हो पाएगा. देखिए कुछ इस तरीके से, जो हमने यहाँ पे समझा था, ये इसका हाफ फोर्स लगा, पहले यहाँ पे डाउनवर्ड था, इधर अपवर्ड था, फिर ये जो सीडी वाली लाइन है, ये जो सीडी वाली लाइन है किसकी जगह आ गई, बीए की जगह. तो यहाँ पे फोर्स हो गया अपवर्ड और यहाँ पे फोर्स हो गया डाउनवर्ड, क्योंकि सीडी की जगह क्या आ गया, एबी आ गया, है ना. लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक कंप्लीट रोटेशन चाहिए तो करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो डाउनवर्ड अपवर्ड लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये फिर से क्या होगा, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल आ जाएगी. तो इसके लिए हमने किसका यूज किया, कम्यूटेटर का यूज किया. ओके, तो यहां पर कॉइल ए बी और जो सी डी है अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे थे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का हमें पता था, तो इससे क्या हो रहा था कि बार बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोटेशन चल रहे थे. हमें हाफ रोटेशन तो चाहिए नहीं, हमें तो फुल रोटेशन चाहिए. इसके लिए हमने किसका यूज किया, कम्यूटेटर का यूज किया, ठीक है. कम्यूटेटर क्या रखता है, कम्यूटेटर के पास क्या क्या होता है, अ कम्यूटेटर कंसिस्ट ऑफ स्प्लिट रिंग, इसके पास दो स्प्लिट रिंग है, ठीक है. इसके साथ हम क्या कनेक्ट करते हैं, दो ब्रशेस को कनेक्ट करते हैं. अब जैसे ही सीडी अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आएगा, ओके, और ये भी राइट साइड में आएगा, ओके, तो कम्यूटेटर के थ्रू क्या करते हैं, हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं. तो जो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगी, और जो यहां पे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी. तो जो कॉइल है वो क्या होगी, कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहेगी, ओके. और जो ये करंट का रिवर्स हो रहा है, ये हर हाफ रोटेशन के बाद कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और हमारी मोटर कंटिन्यूअसली काम करती रहेगी जब तक हम बैटरी को स्विच ऑफ नहीं कर देते. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सा कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक मोटर का. अब आपको एग्जाम में थ्योरी में किस तरीके से लिखना है, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक मोटर को एक्सप्लेन करोगे, इसके बाद आप प्रिंसिपल एक्सप्लेन करोगे जो एज इट इज हमने एक्सप्लेन किया है, इसके बाद आएगी इसकी कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में जो ये फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको ये एक्सप्लेन करना है, एंड इसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे इसकी वॉकिंग. तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक मोटर को थ्योरिटिकल लिखना है, ओके. अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं.
स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग एंड एन इलेक्ट्रिक मोटर. वन बाय वन क्वेश्चन लेंगे एंड देन इसको सॉल्व. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि जो थंब है, फर्स्ट फिंगर है और ये सेंटर फिंगर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो नाउ यू कैन से जो थंब है और ये फोर फिंगर है ये परपेंडिकुलर है, फोर फिंगर है सेंटर फिंगर है ये भी परपेंडिकुलर है, और जो फोर्स वाली है ये थंब है और जो ये सेंटर फिंगर है ये भी क्या रहे, परपेंडिकुलर है. तो एज इट इज हमने इस तरीके से सेट कर दिया. जो यहाँ पे थंब है ये किसकी डायरेक्शन को बताता है, फोर्स की डायरेक्शन को. ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो ये सेंटर फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को बताते हैं. ओके, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द फर्स्ट फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, सेंटर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो सेंटर फिंगर है करंट की डायरेक्शन को, तो थंब है वो ऑटोमेटिकली किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन को. तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पे तीन रूल पढ़े हैं, एक तो राइट हैंड रूल पढ़ा है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, एंड इसके बाद है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो राइट हैंड जो थंब रूल होता है वो क्या होता है, केवल करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए. जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो किस लिए होता है, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, कि एग्जैक्टली जो फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसमें जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है. इसके बाद हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम करंट की डायरेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. बट मैं अभी आपको बता रही हूँ कि तीन रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. ओके, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये अभी हम समझ चुके हैं. क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है एंड इसके पास पास अगर हम कोई मैग्नेट को क्रिएट कर देते हैं तो फोर्स लगता है. ओके, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ करंट कैरिंग प्रोड्यूसेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स. ये जो करंट कैरिंग वायर है इसे हम किस तरीके से पुट अप करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स मिल सके. द लास्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर. तो वी नो वेरी वेल गाइस, जो स्प्लिट रिंग है उसका यूज क्यों होता है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए. द स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर ऑल्सो नोन एज द कम्यूटेटर, जो किस लिए यूज होता है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल हाफ एवरी हाफ ऑफ द रोटेशन. ओके, हर हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, ये करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है. तो जिससे हमारी कॉइल है वो कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में मूव कर सकती है. तो आज की क्लास में बेटा हमने इलेक्ट्रिकल मोटर का कंसेप्ट पढ़ा, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफकोर्स इसका राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज की क्लास में हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के कंसेप्ट को समझा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ साथ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को भी पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग guys, and please click to subscribe. Bye all.